नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आज आपको ठेकुआ बनाने की विधि शेयर कर रही हूँ। ठेकुआ बिहार में, यूपी में आप देखते होंगे कि छठ में बनता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ अंतर होगा। जब हम छठ के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा। और मैं इसको आपको शेयर करते हुए चलूँ कि आप जो आटा देख रहे हो, ये आपका गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा है और इसमें गुड़ है। आप जिस बर्तन से आटा लेते हो, गेहूं का आटा नापते हो, उसी से आपको गुड़ को 1/3 लेनी है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना चाहे तो मैंने यहाँ रखा है, चीनी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 kg के करीब इसमें गेहूं का आटा लिया है और यहाँ आप गुड़ देख रहे हैं, तो ये करीब करीब मेरे पास 200 था गुड़, तो मैंने इसको 200 गुड़ को ले लिया है। लेकिन आप अगर कम खाना चाहते हो तो 1/3 काफ़ी रहेगा, जितना आपका आटा है उसका 1/3 आपका गुड़ होना चाहिए। और अगर चीनी आपको रखनी है, ज़्यादा मीठा खाना है, तो आप थोड़ी सी उसमें चीनी भी रख सकते हो। अब गुड़ को लेकर आपको इसको पिघला लेनी है। पिघलाने में 1/2 कप पानी में डालकर अगर गुड़ को आप पिघला लेते हो तो इस तरह से गुड़ पिघल जाती है। और उसको ठंडा होने के बाद किसी पतले कॉटन के कपड़े से छान लेने हैं, ताकि आपका जो उसमें कुछ बालू वगैरह कुछ गंदगी रहती है वो बाहर निकल जाए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने जो चीज़ है उसको आपको शेयर की है और चलते हैं और आपसे शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने गुड़ को पहले ही पतला कर लिया है, लिक्विड बना लिया है और इसको ठंडा कर लिया है दोस्तों। तो ये लिक्विड वाले जो गुड़ है जो छान कर रखी गई है, इसमें जितना आप लिए हो आटा उसके 1/3 में मैं इसमें मिला रही हूँ सूजी। और ये आप देख रहे होंगे कि 1 डब्बे से थोड़े से कम है, तो इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको गुड़ में अच्छी तरह से मिला देते हैं। दोस्तों ये जो सूजी डालते हैं, इसको जब छठ का बनाते हैं ठेकुआ तो उसमें इसको स्किप कर देंगे, यानी उसमें नहीं डालेंगे। अब आटे में नारियल का कद्दूकस किया हुआ है, ये 3 चम्मच के करीब है बड़े वाले चम्मच से, तो इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। एक किशमिश है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो जो आप पसंद करते हो उसको इसमें डाल सकते हो। ये है सौंफ। दोस्तों यहाँ मैंने किशमिश के कट करके रख दिया है, साथ ही आप और भी ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह डालना चाहते हो तो उसको भी आप डाल ले सकते हो। और यहाँ 2 चम्मच सौंफ है, सौंफ मैं डाल रही हूँ। यहाँ 6-7 इलायची को मैंने निकाल लिया है और उसको कूट करके डाल दिया है। 4 चम्मच इसमें घी या रिफाइंड जो भी आपको डालना है उसको आप डाल सकते हैं। 1 पिंच खाने वाला सोडा, और ये सबको अच्छी तरह से आपको मिला लेनी है। दोस्तों इसको अच्छी तरह से आपको मिला लेनी है और इसको देख लेना है आपको। इस तरह से आटे को लो और इस तरह से बांध कर देखो, अगर इस तरह से बंधने लगता है तो इसका मतलब है मैन आपका एकदम सही है। ज़्यादा मैन भी देना ठीक नहीं है, क्योंकि ठेकुए आपके जब ऑयल में जाएंगे तलने के लिए तो टूट जा सकते हैं। दोस्तों अब इसमें जो गुड़ वाले गुड़ और सूजी जो रखा गया था उसको मिलाना है, लेकिन एक बार में नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मात्रा में बन जाए तो गड़बड़ा सकता है, इसलिए पहले थोड़ी सी इसमें करें और फिर बाद में उसको धीरे धीरे करके मिलाएं। इस तरह से इसको अच्छी तरह से इसमें मिलाते जाएं। अभी लग रहा है कि ये और चाहिए इसको, इसमें और लगेगा, तो और आप इसमें धीरे से फिर थोड़ी सी और आप इसमें मिला लें। मैं थोड़ी सी और इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से इसमें आपको मिला लेनी है। बहुत ज़्यादा ये गीला नहीं होना चाहिए, यहाँ आपको सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा आपका ये गीला ना हो। अब फिर मैं
तीसरी बार मैं इसको डाल रही हूँ। अब इस तरह से इसको मिल जाएगा। मिलने के बाद आप एक तरफ इसको कर ले और इसका लोई बना लेते हैं। जितने बड़े साइज में आपको बनाने हैं उतना पकड़ के आपको लोई बना लेना है। इसमें से जितने बड़े आपको बनाने हैं उतने बड़े बड़े इस तरह से लोई पहले बना लेने हैं। इस तरह से आप लोई बनाकर मैं रख लेती हूँ, फिर आपको शेयर करती हूँ। मैंने आप देख रहे होंगे गोले बनाकर रख लिए हैं। इसमें कुछ बड़े भी बनाए हैं, कुछ छोटे भी बनाए हैं। आप अपने जैसा खाना चाहते हो उस आकार के बना ले सकते हो। साथ ही मैं यहाँ बात कर दूँ कि मुझे इसमें कोई पानी का छिड़काव नहीं करना पड़ा। अगर गोला बनाने के समय आपको बहुत सूखा हुआ ड्राई महसूस हो तो आप पानी के छींटे देकर इसको बना ले सकते हो। और यहाँ पर जो है इसको सांचा बोलते हैं। इसमें ठेकुआ बनाने का ये सांचा है और इसी पर ठेकुआ बनाने का के लिए सबसे पहले क्या करनी होगी कि इसमें थोड़े से इसकी ग्रीजिंग कर लेनी होगी। ग्रीजिंग करके इसको तब ठेकुए बनाने होंगे। इस तरह से थोड़े से इसमें ऑयल डालकर इसको ग्रीजिंग कर लेनी है। ऐसे ग्रीजिंग करने के बाद एक पीस आपको ऐसे उठानी है और इसको बीच में आपको तलहत्थी से दबा देने हैं। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। और इसको आराम से आप यहाँ से हटा लें। इस तरह के डिज़ाइन में ये बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ठेकुआ गढ़ के यहाँ आ गए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी है। दोस्तों गर्म हुआ है या नहीं तेल, इसके लिए एक छोटा सा पीस इसमें डालकर देखना है। अब ये देखो जब ऊपर की तरफ आ जा रहा है इसका मतलब है कि ये गर्म हो गया है। अगर नीचे में बैठा रह गया तो इसका मतलब है कि तेल आपका गर्म नहीं हुआ है। दोस्तों तेल गर्म होने के बाद अब इसमें ठेकुआ एक एक करके डाल देना है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना है। गर्म तेल है और इसमें आप हाथ डाल रहे हो, यहाँ डाल रहे हो, तो थोड़ा सतर्क रहना है। और अभी डालने के समय आप चाहें तो अपने गैस के फ्लेम को थोड़े कम भी कर ले सकते हैं। बल्कि आपको इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गैस में बनाना भी नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ गैस में बनाओगे तो नीचे की तरफ ये पकेंगे नहीं। देखो अभी तेल मेरा उछला और मैं खुद भी आपको बात करती हूँ, लेकिन मेरा भी कभी कभी क्या होता है कि बीच में उछलता है। और मेरा भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जस्ट देखो पहले मतलब एक सप्ताह पहले का मैं दिखा रही हूँ। इसमें डालने के बाद अब इसको एकदम सिम पर करके रखना है थोड़ी देर। ये अच्छी से पक जाए तो इसको पलटना है। जितना इसमें जाए उतना ही आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और बहुत ज़्यादा इसको चलाना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा चलाओगे तो ये जल सकता है। देखो ये इस तरह से आपको इस सबको पलट देनी है, धीरे धीरे करके एक एक को पकड़ के आपको पलट देनी है। बहुत खास्ता बनाए हैं हम लोगों ने, इसलिए इसके टूटने का भी डर ज़्यादा रहेगा, तो इस तरह से इसको पलट देने हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे ये गोल्डन कलर का हो जाएगा। इसके बाद इसको निकालना है। दोस्तों ये बन गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। निकालने के लिए चूंकि मुझे एक ही हाथ से काम करना पड़ रहा है, एक में मैंने मोबाइल पकड़े हुए हैं, देखो थोड़े से टूट भी रहे हैं, तो इसको धीरे धीरे करके सबको बाहर निकाल लेते हैं और कहीं पर इसको कलेक्ट करके रखते जाते हैं। गर्म होने के बाद इसमें धीरे से छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नज़दीक कड़ी में नहीं जाना है, नहीं तो ये उछल कर आपके हाथ पर पड़ने की शंका रहेगी। इस तरह से आप इसको डाल दें, जितना इसमें जाता है उतना ही दें, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालें। दोस्तों गैस के फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो ये जल जाएगा, जलने लगेगा और आपका ये अंदर से पकेगा नहीं। तो इसको आप स्लो से मीडियम तक आप बदल बदल कर सकते हैं और पकने दे सकते हैं। होने पर इस तरह से छान कर तेल से निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरह से ठेकुआ बनकर तैयार हो गए हैं। और आप इसको जो देख रहे होंगे कि बीच में क्रैक हो रहा है, ये दर्शाता है कि आपका ठेकुआ जो है काफ़ी सॉफ्ट बना है। और बस इसी के साथ मैं चलती हूँ। आप भी अपने घर में
पर्व त्यौहार में या ऐसे भी इसको बना कर रख सकते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे आकर मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।